स्वच्छता अभियान में पहले चरण की सफलता को मजबूत बनाते हुए अगले चरण के लक्ष्य प्राप्त करने हैं। इसके लिए स्वच्छता की संस्कृति को सभी देशवासियों द्वारा और भी गहराई से आत्मसात करना होगा। स्वच्छता अभियान के पहले चरण में स्थापित की गई सुविधाओं के रखरखाव पर ध्यान देना होगा। इस अभियान को उत्साह के साथ आगे बढ़ाते हुए ODF प्लस के लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। साथ ही स्वच्छता के व्यापक अर्थ को अपनाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। उदाहरण के लिए पीने का साफ पानी उपलब्ध कराना भी स्वच्छता के दायरे में आता है। भारत सरकार द्वारा इसी वर्ष शुरू किए गए जल जीवन मिशन की सफलता के लिए भी स्वच्छता एक अनिवार्य शर्त है। कहा जा सकता है कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य की मास्टर की यानी कुंजी है। मुझे विश्वास है कि आप सबसे प्रेरणा लेकर हर भारतवासी स्वच्छता द्वारा राष्ट्र निर्माण में अपनी सार्थक भूमिका निभाएगा और ऐसे स्वच्छ भारत की नींव पर ही स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का निर्माण होगा। स्वच्छता के लिए असाधारण योगदान देने वाले आज के आप सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं एक बार फिर बधाई देता हूँ।